हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, स्वागत करता हूँ आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं रेट सी टेट साइंस एग्ज़ाम, जिसमें अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। और आज का टॉपिक अपना मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें अपन क्या करेंगे, पूर्व रिट परीक्षा के आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किए हैं, उनके अलावा अन्य एग्ज़ाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो एक बात कहना चाहूँगा जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, कि रिट विज्ञान विषय की संपूर्ण तैयारी आप हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको साइंस से संबंधित सारे वीडियो, नोट्स वगैरह सब उपलब्ध वहाँ पर मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग मेथड सब मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो से लगातार जुड़े रहिए और अन्य यार दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िए। यह बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों के लिए। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बस आप लास्ट में ये ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। आज 30 प्रश्नों का ये अपनी टेस्ट होगा श्वसन से संबंधित, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके कितने सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ क्या होता है? श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है फेरिंग्स या ग्रस्नी, सेकेंड ओइसोफेगस या ग्रेसिका, ड्यूडेनम या ग्रहणी और नासिका वेस्म। चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, तो जल्दी से आप बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं ग्रसनी या फेरिंग्स, तो वह क्या होगा, इसमें सही होगा। तो इसका सही होगा ग्रसनी या फेरिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, किस समय श्वसन दर सबसे कम होती है? श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? ऑप्शन फर्स्ट सोते समय, कठोर कार्य या परिश्रम करते समय, या खाना खाते समय। तो श्वसन दर सबसे कम कब होती है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बिल्कुल सही, सोते समय अपन मानते हैं श्वसन दर में क्या आती है, कमी आती है, सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु को ट्रेकिया या श्वास नली में जाने का मार्ग, वायु को ट्रेकिया या श्वास नली में जाने का मार्ग क्या होता है? ग्लट, ग्लोटस, एपिग्लोटस या श्वसनी, बताइए कौन सा होता है। तो वो होता है ग्लोटस, इसी यह होता है वायु को ट्रेकिया में जाने का मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ईस्ट में, ईस्ट कवक में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑप्शन फर्स्ट लैक्टिक अम्ल, सेकंड एथिल अल्कोहल, मेलिक अम्ल या O2 है H2O। तो अवायवीय श्वसन के दौरान जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग कौन सा होता है? अस्थमा या दमा, हाइपोक्सिया, हाइपरनोइमा और इम्फाइसीमा। तो सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में जो रोग होता है ना, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया के नाम से अपने जानते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य संवातन या ब्रीथिंग में अंदर ली गई बाहर निकाली गई गैसों का आयतन कितना होता है? 500 ml, 5800 ml, 1200 ml और 4600 ml। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल राइट, जो ए सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 500 ml होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पाइग्मोमेनोमीटर या पायरोमीटर। तो श्वसन दर मापने के लिए काम में लेते हैं स्पायरोमीटर काम में लेते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए फिर, श्वसन की प्रक्रिया एक क्रिया है, कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयी, कैटाबोलिक, उष्मा सेपी या उपयुक्त सभी। तो श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? उपयुक्त सभी प्रकार की, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन के दौरान पायरविक अम्ल से पेशियों में क्या बनता है? अवायवीय श्वसन के दौरान पायरविक जो अम्ल होता है उससे पेशियों में क्या बनता है? ऑप्शन फर्स्ट लैक्टिक अम्ल, सेकंड एथिल अल्कोहल, थर्ड यूरिया और चौथा कोई नहीं। तो इसमें अवायवीय श्वसन के दौरान पायरविक अम्ल से पेशियों में बनता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है? फर्स्ट ऑप्शन शिथिल कर गुम्बदाकार हो जाता है, संकुचित होकर चपटा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। अंतःश्वसन का मतलब जब अपन सांस को अंदर ले रहे हैं तो उस समय अपने को पता है कि डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही बी ऑप्शन होगा, डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है जिससे फेफड़ों को फूलने के लिए आवश्यक स्थान मिल जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, दैनिक श्वसनी क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा होती है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोगेंटा और हाइपोथैलेमस। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। दैनिक श्वसनी क्रियाएं नियंत्रित किससे होती है? तो यह होती है मेडुला ऑब्लोगेंटा भाग द्वारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मानव की आहार नाल के रसांकुर व फुफ्फुस की कुपिकाओं के मध्य एक संयुक्त लक्षण होता है, वह यह है कि दोनों का अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है, पक्षमाभीय उपकला पाई जाती है या गे से विसरण के लिए अनुकूलित होती है। तो जो रसांकुर और फुफ्फुसी कुपिकाओं के मध्य एक लक्षण यह है कि यह क्या करती है? अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फुफ्फुस में गैसीय विनिमय स्थल कौन सा होता है? कुपिका, श्वसनी, श्वसनिकाएं या श्वास नली। तो फुफ्फुस में जो गैसीय विनिमय जो स्थल होता है वह कौन सा होता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल राइट, जो कुपिकाएं एलोविलाई होती है वहां पर अपन मानते हैं गैसीय विनिमय की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रक्त में CO2 की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन दर बढ़ेगी, घटेगी या रुक जाएगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल्दी बताइए। CO2 की क्या हो रही है? सांद्रता बढ़ रही है, तो अपन मानेंगे कि वहाँ पर जब CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो ऑक्सीजन की क्या आती है? कमी आती है, इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए अपन क्या करते हैं? जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, और जल्दी जल्दी श्वास लेंगे तो श्वसन दर में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी यानी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, एक वयस्क मानव में श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट, 40 से 45 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट या 8 से 10 प्रति मिनट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें श्वसन दर कितनी होती है, जल्दी से बताइए। वो होती है 15 से 18 प्रति मिनट मानी गई है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना वीडियो पूरा होने के पश्चात। फुफ्फुस या लंग्स का आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरल झिल्ली या कोई नहीं। फुफ्फुस का जो आवरण होता है क्या कहते हैं उसे? चार ऑप्शन, उसे कहते हैं प्लूरल झिल्ली के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है?
CO2 का जो परिवहन होता है ना रक्त में, वह किस रूप में होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट? तो यह होता है सोडियम में बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेल मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा या मुख गुहा के द्वारा? तो व्हेल मछली में जो श्वसन होता है वह कौन से अंग के द्वारा होता है? जल्दी बताइए, चार ऑप्शन, गिल्स, त्वचा, फेफड़े और मुख गुहा। तो व्हेल मछली में पाए जाते हैं फेफड़े, उनके द्वारा पर मानते हैं श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोक्षीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने ATP निर्माण होता है? 2 ATP, 36 ATP, 38 ATP या 24 ATP? ATP यानी कि एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP के अणु कितने बनते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप फर्स्ट सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2 ATP अणु का निर्माण होता है अनोक्षीय श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च श्वसन की वायु की O2 की मात्रा कितनी होती है? O2 की मात्रा, तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर 16 और 18 दो ही ऑप्शन छपे हुए हैं, फिर भी आप दो में से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा होगा। जी 16% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका द्रव्य में O2 की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु टूटने पर दो अणु बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है O2 की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु टूटने पर जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुख्य रूप से, ऑप्शन क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, आर्निथिन चक्र या कोई नहीं। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो होती है वह कहाँ होती है, अपने पता है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट देखिए 24, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? 36, 38, 2 या 8? तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखिए, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 8 सेकेंड का समय। तो ध्यान रखना, जैसे कि अपन मानते हैं कि मनुष्य में एक श्वसन क्रिया को पूर्ण करने में लगभग 4 सेकेंड का समय लगता है, 4 सेकेंड का समय लगता है। इस आधार पर अपन देखें तो लगभग 15 श्वसन दर आती है, अपन पढ़ते हैं 15 से 18 या 16 से 18 श्वसन दर पाई जाती है, लेकिन चार ऑप्शन यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन है पास पास में दे रखे हैं। या तो अपन कर सकते हैं 5 सेकेंड या कर सकते हैं 3 सेकेंड, यहाँ पर मैंने दोनों इसलिए लिए हैं ताकि आप यहाँ पर कन्फ्यूज न हो। 3 सेकंड के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो लगभग श्वसन दर हो जाती है 20, और 5 सेकंड के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो वह पाई जाती है लगभग, अपन देखते हैं कि 12 श्वसन दरें होती है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो दोनों के मध्य का अपने को देखना होता है, तो चार ऑप्शन में है नहीं, तो 3 सेकंड अपन यहाँ पर बताएंगे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे 3 सेकंड का समय लगता है। अगर चार ऑप्शन में हो तो अपने को 4 करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच्छू में श्वसन अंग क्या होता है? बुक लंग्स, गिल्स, गलफड़े, ट्रेकिया, फुफ्फुस। बिच्छू में जो श्वसन अंग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रेकिया या श्वास नलिका पाई जाती है, उसी के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु जो अनोक्षी श्वसन दर्शाते हैं कौन से होते हैं? अवायवीय श्वसन को प्रदर्शित करते हैं, ईस्ट में, एस्केरिस में, पेशियों में, उपयुक्त सभी में। तो अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है ईस्ट में भी होती है, एस्केरिस में, मांसपेशियां, पेशियों में भी पाई जाती है, लैक्टिक अम्ल वगैरह का निर्माण होता है, तो उपयुक्त सभी सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, फुफ्फुस या आवरण को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, प्लूरल झिल्ली, पेरिटोनियम या कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से सही क्वेश्चन गैस कीजिए। बिल्कुल राइट, जो फुफ्फुसी आवरण होता है उसको प्लूरल झिल्ली के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के दाएं व बाएं फुफ्फुसों में
पिंडों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के दाएं व बाएं फुफ्फुस में पिंडों की संख्या 2, 4, 3, 2, 4, 2 या 6, 2। तो ध्यान रखना, मनुष्य का जो दायां फुफ्फुस होता है उसमें 3 पिंड पाए जाते हैं, और जबकि जो बायां फुफ्फुस होता है उसमें 2 पिंड पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्वर यंत्र लैरिंग्स, सेकंड ग्रसनी, थर्ड गांठी द्वार, और चौथा दे रखा है मुख गुहा। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही सोचा, अगर आपने ए सोचा है स्वर यंत्र या लैरिंग्स, जिसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं और जिन्हीं के द्वारा आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक कि जब श्वास नली या ट्रेकिया में वायु नहीं होती है ना, तो वे पिचकती नहीं है, ये किसके कारण होता है, क्या पाया जाता है उसमें ऐसा? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अस्थिल छल्ले 15 से 20, स्पीति दाब के कारण, थर्ड काइटिन युक्त छल्ले, और चौथा देर का उपास्थिल छल्ले। तो श्वास नली या ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? उपास्थिल छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थि से निर्मित सी आकार के छल्ले होते हैं जिनकी संख्या 15 से 20 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव फुफ्फुस में कुप्पिकाओं की संख्या कितनी होती है? दोनों फुफ्फुस में पूछा है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है 600 से 800 मिलियन, सेकंड 200 से 300 मिलियन, थर्ड 1 से 2 मिलियन, और चौथा 1000 मिलियन। तो कुप्पिकाओं या एलोविलाई की जो संख्या होती है दोनों फुफ्फुस में कितनी होती है दोस्तों, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बताया आपने, 600 से 800 मिलियन कुप्पिकाओं की संख्या पाई जाती है, ए ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका श्वसन तंत्र से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम, जिसमें 33 क्वेश्चन शामिल किए थे। आशा करता हूँ का कि एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर लगभग क्वेश्चन सबके सही होंगे, फिर भी आप कमेंट्स में मेरे को बताएं कि 33 में से आपके कितने सही होते हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी सक्रिय रहेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस में मज़ा आएगा और मैं आपके लिए ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।